हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5, और ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में माइकल ने गाड़ियों की चोरी की थी, चोरी किया थी मतलब पुरानी कार्स को खरीदा था और उसके बाद में उनको चोरी भी किया था। बट उसके बाद ना भाई, जब वो मिशन हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भाई माइकल के घर पे चोरी हो गई। और चोरी में भाई बंदे जो आए थे ना, वो थे डक्कन बॉस के बंदे, जो कि भाई माइकल के घर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सूटकेस उठा के ले गए। और वो सूटकेस था लेस्टर का, जो कि भाई उसने मुझे रखने को दिया था। ठीक है, तो मैं भी एज माइकल आ गया हूँ भाई लेस्टर की एकदम खुफिया, जो उसकी एक पूरा डार्क रूम है, मतलब पूरे इसने यहाँ पे बना रखा है खुफिया एरिया। तो हम वहाँ पे आ गए क्योंकि इसने यार पूरा यहीं पे अपनी लैब वगैरह बना रखी है, और सारे मतलब जो भी भाई इलीगल वर्क्स है ना, वो यहाँ पे करता है लेस्टर भाई। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ लेस्टर के पास, और भाई लेस्टर मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने बोला कि यार उसे वो फाइल चाहिए। और एक्चुअली मतलब फाइल क्या, उस सूटकेस में तो वो फाइल चाहिए लेस्टर को, क्योंकि लेस्टर इसलिए परेशान है, उसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट कोड्स है। अभी जिस बंदे को यहाँ पेला जा रहा है, मतलब पीटा जा रहा है, जो कि ट्रेवर्स को मार रहा है, और फ्रैंकलिन भी उसको कूट रहा है सही से, वो भाई उन बंदों में से एक बंदा था जो कि माइकल के घर फाइल चोरी करने आया था। और यहाँ पे यार लेस्टर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, तो माइकल ने उसको एक धक्का मारा। और फिलहाल भाई लेस्टर ने माइकल से यही बोला कि भाई यार मुझे नहीं पता, बस मेरे को मेरा सूटकेस चाहिए और मैं तभी तेरे से बात करूंगा। अभी भाई माइकल भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार कैसे ही क्या करा जाए, क्योंकि यार ये बंदा तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फाइनली यार इसको बहुत देर कूटने के बाद ना लेस्टर ने बता दिया कि यार इसने थोड़ा सा पता बताया कि ये डगन की लोकेशन, मतलब डगन बॉस की लोकेशन बता दी है। तो वहाँ पे तो ऐसी ऐसी लोकेशन, ओ भाई यार ये क्या कर दिया इसने, चलो अच्छा हुआ भाई पैर पे गोली मारी है। और भाई बंदा पूरी तरीके से देख रहा, मतलब इतना पिट गया, फिर भी उसके बाद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे यार फाइनली हमको लोकेशन तो मिल ही चुकी है, तो अभी हम फटाफट से निकल लेते हैं भाई उस लोकेशन पर जहाँ पर भाई डगन बॉस है। तो अभी यार इसका एक बंदा जो उसके साथ वाला था, उसके पास ही सूटकेस है। अभी पता नहीं उसने डगन बॉस को दिखा दिया नहीं दिखाया, बट हमको यार वो सूटकेस लेकर आना पड़ेगा, वरना लेस्टर यार मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें लेस्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो फटाफट से यार मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियारा लेकर से निकल लेता हूँ। उससे पहले यार इसका एक जो गैराज है उसका टूर कर लेते हैं। और भाई यहाँ पे मुझे लगता है व्हीलचेयर रखी हुई है, और एक मस्त अंदर बंदा भी लेटा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड वाला ही है। तो यार पूरा एकदम मस्त है, हर तरफ लेस्टर ने सिक्योरिटी लगा रखी है। तो फटाफट से यार मैं यहाँ से अभी निकल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकने का मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी देर रुकूंगा लेस्टर का दिमाग गर्म हो जाएगा, और लेस्टर ऐसा ना हो कहीं मुझे को कूट दे, क्योंकि वो ऊपर वाले बंदे की तो जम के खातिरदारी में लगे ही पड़े हैं। और भाई इस बंदे ने हमको तो जो पता बताया ना, वो यार बहुत ही एकदम मतलब अजीब जगह पर है। वहाँ पे अगर कार से जाएंगे ना तो 2 दिन लगेंगे, तो मैं फटाफट से भाई एयरपोर्ट जाऊँगा पहले, और एयरपोर्ट से प्लेन उठा कर जाऊँगा। और प्लेन भी मेरे पास ऐसा है ना, जिसको जो भाई मतलब उसकी आप अगर वो आसमान में, तो उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि वो लोकेट नहीं करेगा, या फिर किसी प्रकार के कोई रडार में नहीं बताता है। ठीक है, तो वो हमको पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर मिलेगा। तो मैं फटाफट से भाई एयरपोर्ट को लोकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लोकेशन लगा ली है। अभी भाई हम जा रहे थे रॉन्ग वे पर, अभी फटाफट से हम चलते हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई जो हमारे माइकल जी हैं, तो यहाँ पे ठोक क्यों रहा यार, सीधी चला ले गाड़ी। तो यार माइकल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यार अगर उसको फाइल नहीं मिली ना, तो भाई ये गाड़ी भी जाएगी और माइकल को सीधे हो जाएगी जेल, क्योंकि यार वो जो लेस्टर के पास पेपर थे ना, वो एक खुफिया एजेंसी के थे, जो कि भाई FBI वालों के थे भाई। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार या तो वो पेपर लेकर आओ, या तो तुम्हारा ही नाम ले दूंगा मैं, और जो भी होगा फिर तुम ही उसको निपटना। तो फाइनली यार फटाफट से माइकल अपनी सीआर को उड़ाते हुए ले आया एयरपोर्ट पर। अभी फटाफट से मैं इसको एयरपोर्ट के अंदर ही घुमा रहा हूँ, तो फटाफट से मैं इसको अभी एयरपोर्ट पे, यार यहाँ पर एक मोड़ था जहाँ से हम लोग शॉर्टकट ले लेते थे, बट यहाँ पे नहीं है शायद, वो आगे है शॉर्टकट। तो ये रहा वो शॉर्टकट, यहाँ से अभी देखना यार मैं कैसे अपनी कार को जस्ट नीचे उतार लूँगा, और वो भी बिना पलटे। ये देखो इतना ईजी है, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए आपको कार को हल्का सा टिल्टेड करना है। तो शायद मुझे लगता है रॉन्ग वे पर आ गया हूँ मैं, इधर से ये नहीं खुलने वाला। ओके, तो गार्ड भी आ गया, और गार्ड कह रहा है छाने इधर से नहीं इधर से आने का है। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग पॉइंट था, अभी इधर से जाता हूँ, इधर आज खुलेगा नहीं खुलेगा तो उसको खोल डालूंगा। तो भाई पुलिस वाला कह रहा है बेवकूफ है क्या, इधर उधर से जाने का नहीं है, उधर से आउट का रास्ता, मतलब अंदर वाले बाहर जाएंगे। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, और भाई यहाँ मेरा प्लेन खड़ा होना चाहिए था, बट यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं है प्लेन। अभी क्या किया जाए, तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो फटाफट चलते हैं भाई कैफेटेरिया के इधर, और वहाँ से एक मस्त कॉफ़ी लेते हैं, और कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ प्लेन नहीं खड़ा मिलेगा आपको, बट कई टाइम आपको प्लेन खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से माइकल ने तगड़ी सी कॉफ़ी को चढ़ा लिया है भाई, और कॉफ़ी यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए माइकल तो एकदम मस्त गाड़ी का गेट बंद करना भी भूल गया है। और अभी फटाफट से हम लोग कॉफ़ी ड्रिंक हो गई है बहुत ज़्यादा, अब कॉफ़ी को छोड़ते हुए भाई डायरेक्ट निकलेंगे, क्योंकि भाई वो पेपर्स उठाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई डगन बॉस का पता जो दिया है ना, माइकल को इस बात का भी डर है, अगर ही डगन बॉस को पता चल गया कि यहाँ पे कोई और भी तीसरा बंदा है, तो ऐसा ना हो कि डगन बॉस किसी को ठोक दे, क्योंकि भाई डगन बॉस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, वो माइकल को भी पकड़वा सकता है, कहीं से भी उठवा लेगा माइकल को, क्योंकि उसके बंदे बहुत ज़्यादा है, मतलब हर एरिया में, और हर एरिया में उसकी पहचान है। तो ये रहा हमारा प्लेन, अभी हम जाएंगे इसमें फटाफट से। और यार ये जो बंदा है, मतलब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन पे हम सिंगल ही जा सकते हैं, हमारे साथ एक बंदा और जाएगा, तो शायद वो बंदा हमारे पास नहीं हो रहा उस तरफ, तो यार वो उधर क्यों जा रहा है, वो हमें तो हमारे साथ आना चाहिए। तो फटाफट से जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो शायद वो आ जाए यहाँ पर, क्योंकि यार हमारे साथ एक बंदा और जाएगा, जो कि भाई अगर ज़्यादा दूर जगह होती तो वो इस चीज़ को लोकेट कर ले, मतलब इसका बैक साइड बैक यार्ड प्लेन का इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक बंदा और चाहिए पर्टिकुलर,
तो यार वो बंदा फटाफट से भाग कर आ गया, हमारे साथ चलेगा, क्योंकि यार अगर कुछ उधर ज़्यादा सामान मिला तो हम वो भी रख के ला सकते हैं, बट इतना रखने की सुविधा तो नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मिला तो हम जरूर इसमें लेकर आ सकते हैं। तो फटाफट से भाई मैंने कर लिया है टेक ऑफ ये हेलीकॉप्टर। और भाई लोकेट सबसे पहले जरूरी थी लोकेशन भाई, क्योंकि यार लोकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे डगन वॉस की, उन पहाड़ियों के सामने वाली पहाड़ियाँ दिख रही है उन पहाड़ियों के पीछे है भाई, तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें जाने के लिए। तो मैंने बीच में थोड़ा सा जल्दी कर दिया, इसको फटाफट से लेकर चलते हैं हम, क्योंकि भाई हम इतना वेट नहीं कर सकते, हम वो बहुत जल्दी पहुँचना है वहाँ पर। तो फटाफट से यार मैं हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए भाई पूरा देख रहे हो ना यार, नीचे बाइन बुट का कितना ही मस्त नज़ारा है, पूरा एकदम खुला आसमान। तो यार हमको सबसे पहले पहुँचना है डगन बॉस के पास, डगन बॉस से वो फाइल लेनी है, तो दोबारा आगे लेस्टर को देनी है, और लेस्टर को देने के बाद ही भाई कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर लेस्टर को फाइल नहीं दी तो लेस्टर मुझे दे देगा एफवीआई के हाथों, और मुझे नहीं जाना है जेल। तो जेल जाने से अच्छा है कि मैं जाऊँ डगन बॉस के पास, उस बंदे को ढूंढूँ जिस बंदे ने मेरे घर पे आके चोरी की थी, मतलब माइकल के घर पे चोरी की थी भाई। मैं तो ये देख रहा हूँ कितना ही हार्डेस्ट बंदा हुआ जिसने चोरी कर ली। तो फाइनली यार मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, और वो नीचे आप नाव देख रहे हो ना भाई, वो नाव डगन बॉस के घर के पास में ही है। मतलब डगन बॉस का घर कहाँ है, वो थोड़ा सा मतलब एक बोले तो मिस पॉइंट है, वहाँ रुकने का एक एरिया है। तो यार मुझे ना थोड़ा दूर प्लेन को लैंड करना पड़ेगा, अगर मैंने जस्ट वहीं पे किया ना तो कहीं मतलब भून दिया जाऊंगा, वहीं से गिरा दिया जाएगा पूरा प्लेन। तो हम थोड़ा दूर लैंड करते हैं ताकि उसे लगे कि जस्ट लगे पिकनिक स्पॉट पे प्लेन आया हुआ है, हमसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देख रहे हैं ना वहाँ पे वो काफ़ी दूर है लोकेशन, और मैंने सोच रहा हूँ यहाँ पर इस प्लेन को आराम से लैंड करा लूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये जगह सही है, ओ भाई आराम से इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये दोबारा उड़ेगा नहीं। तो फटाफट से मैंने इसको सीधा कर लिया है, तो सीधा करके थोड़ा सा मैं इसको आगे लैंड करा लेता हूँ ताकि हम उसको दोबारा भी टेक ऑफ कर सके, क्योंकि अगर टेक ऑफ नहीं होगा तो भाई जाएंगे कैसे यहाँ से, और अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो भागना पड़ा तो कैसे भागेंगे। तो फटाफट से यार ये बंदा भी मेरे साथ उतर गया, और इस बंदे ने कहा कि यार तुमको यार दिखाई नहीं देता ये कहीं लैंड कराने की जगह है। तो माइकल को यार गुस्सा आ गया, माइकल बोला ऐसा है तो अपना काम कर, अपन इधर मिशन पे आए हैं और मिशन यहाँ कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से माइकल आ गया, तो सबसे पहले यार हमको देखनी पड़ेगी डगन बॉस की लोकेशन, क्योंकि विदाउट लोकेशन हम आगे एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसके पास पता नहीं कितने यहाँ पे गार्ड होंगे। तो यार जब यहाँ पे मैंने छुप कर देखा ना, तो मुझे यार दिखा यार ये तो बस एक मीट स्पॉट है, मतलब मीटिंग स्पॉट है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं उसका, मतलब बंगलो बंगलो नहीं है, बट यहाँ पे भाई डीलिंग चल रही है शायद किसी चीज़ की। तो यहाँ पर शिप भी है, और देखो गाइस पूरा हार्ट डगन बॉस अपने दोस्तों मतलब अपनी गैंग के साथ, दोस्त बोलो गैंग बोलो जो भी है, अपनी गैंग के साथ है, जिसकी भाई तगड़ी मीटिंग चल रही है। और ये बंदा रहा यहाँ पर खड़ा हुआ, और यहीं पर कुछ बैग वैग भी रखे हुए हैं, तो मुझे जाकर यहीं चेक करना पड़ेगा भाई क्या सीन है क्या नहीं है। भाई गाड़ी भी खड़ी हुई जिसमें माल लोडेड है। तो यार ये बंदा जस्ट मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मुझसे बोल रहा है कि यार ये देखो खतरे से खाली नहीं है जगह, तुम यहाँ से निकल लो तो ज़्यादा बढ़िया। बट यार मैंने इसको मारने की कोशिश की, तो यार इसने और माइकल का ही मुक्का टिका दिया भाई, तो बहुत हो गया प्यार, अब प्यार खत्म करना पड़ेगा, इसको यहीं निपटा देता हूँ मैं ताकि ये नौटंकी ना करे। वो भाई एक और दे देता हूँ ताकि इतनी बेहोश पड़ा रहा है, और मैं इसको लौट के आराम से ले जाऊँ। बट भाई फिर भी नहीं मानना है, इसको सही सही देना पड़ेगा ताकि इसको खर्चा पानी पूरा एक बार में वसूल कर लिया जाए। तो भाई एक ही सीधा मुक्का पड़ा और इसके सर में लग गई वो जो उस तरफ जीने की मोड़ है, तो भाई इसका तो पूरा काम तमाम हो गया मुझे लगता है। तो मैं फटाफट से चुपचाप अभी निकल के भाई अपने मिशन को अंजाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से सूटकेस लाना बहुत जरूरी है, अगर लेकर नहीं आया तो भाई अपना तो काम वैसे एंड हो जाएगा, मतलब लेस्टर मार देगा चाहे डगन बॉस मार देगा, एक बंदे से तो आज माइकल को मरना ही है। माइकल सोचता है कि क्यों ना भाई जान जोखिम में डाल के वहाँ से सूटकेस ही चुराया जाए जो कि मेरे घर से चोरी हो गया था। तो फाइनली यार हम उसके घर के बहुत पास पहुँच चुके हैं, और भाई बंदा देख रहा है उस तरफ देख रहा है जिस साइड डगन बॉस की डीलिंग चल रही है, तो हमको यार उस साइड तो नहीं जाना है। तो फटाफट से मैं चुपचाप इधर से आगे बढ़ते हुए भाई इसके सीधे एक सर में रखूंगा ना, तो ये बंदा तो इधर ही गिर जाएगा भाई। देख रहे हो यार माइकल के पंच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो यार ये रहा भाई सूटकेस, बट यहाँ एक जैसे तीन रखे हुए हैं जो कि मुझे एक उठाना है, और मैंने यहाँ पर उठा लिया है। तो जो मेन वाला था सूटकेस उसमें से मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो निकाल लिया और सूटकेस यहीं छोड़ दिया, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि वो बंदा मेरे पीछे ही पड़ जाए डगन बॉस अपने बंदों को लेकर। तो मैं इधर देख लेता हूँ डगन बॉस को कि यार वो इधर उधर आ तो नहीं रहा है, इसकी डील चल रही है, क्या सीन है, क्या हम उसको मार सकते हैं यहाँ से। तो भाई यार उसके साथ तो बंदे हैं जो कि मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैं यहाँ पे अकेला हूँ और एक फिरंगी साला एरोप्लेन के साथ, मतलब एक हेलीकॉप्टर वाले के साथ, वो भी फिरंगी एकदम। तो मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से भाई जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं, और शायद डगन बॉस को पता चले उससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। बट जब मैंने यहाँ आकर देखा ना भाई, तो मेरा हेलीकॉप्टर था ही नहीं। तो भाई देख रहे हो मतलब फटके चार हो गई, बंदा यहाँ से गायब है, हेलीकॉप्टर भी गायब है। मतलब यार मेरी उससे फाइट क्या हुई, वो पूरा हेलीकॉप्टर ही लेके निकल गया। अभी भाई तगड़ी वाली फट गई थी माइकल की। तो यहाँ देखा साइकिल पड़ी हुई थी जो कि एकदम टूटी फूटी थी, बिल्कुल भी हिल रही थी। फिर यहाँ पे इस कॉर्नर पे आके देखा तो यहाँ एक साइकिल खड़ी थी, बट वो चल रही थी, सही हालत में थी। तो यार माइकल इतना ज़्यादा डरा हुआ था, फटाफट साइकिल लेकर ही वो बोला कि हाईवे पे जाके देख लेते हैं, अगर कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाएगी तो उसको ले लेंगे, या फिर किसी बंदे से हम लोग कार लूट लेंगे। तो फटाफट से यार माइकल बहुत स्पीडली चलाते हुए लेकर, देखो मतलब माइकल का एकदम पसीना पसीना हो गया, और वो फटाफट से भाई निकले जा रहा है, क्योंकि यहाँ रुका तो भी मरेगा, और यहाँ हमको दो पिकनिक बनाते हुए लोग मिल गए। तो फटाफट से मैं इन्हीं से कार ले लेता हूँ, और भाई ये क्या साइकिल से भी मरता है क्या आदमी कोई। तो भाई ये तो पंगा ले रहा है, मैं इसको एकदम सही से एकदम, अरे भाई तेरे से लड़ेगा, खत्म हो गया भाई, ये तो एक ही में। तो भाई जब तक ये बेहोश पड़ा है ना, मैं इसकी फटाफट से पैन ही उठा के निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी मिल जाए, मतलब अभी तो कुछ भी मिल जाए, बस माइकल यहाँ से निकल जाए। क्योंकि अगर माइकल यहाँ से निकला और भाई डगन बॉस के बंदों को पता चल गया, क्योंकि पता तो चली जाएगा भाई, क्योंकि हम एक उसके बंदे को बढ़िया तरीके से सुला के आएँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे लेस्टर को कॉल करते थे ताकि वो मुझे थोड़ी सी हेल्प भेज दे, शायद हो सके, क्योंकि हमारे पास प्लेन नहीं है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में।
लेस्टर को मैंने यहाँ पे कॉल किया, बट लेस्टर ने यार मेरा कॉल पिक नहीं किया। उसने बस बोल दिया कि भाई अपना मैसेज छोड़ दो और जो भी होगा मैं उसको बाद में देख लूंगा। देख लो भाई, यहाँ पे मैसेज छोड़ने वाली सिचुएशन तो है नहीं, हमको भाई बहुत स्पीडली यहाँ से निकलना पड़ेगा तभी हम पहुँच सकते हैं एयरपोर्ट। तो भाई एयरपोर्ट पहुँचने के लिए मुझे चुपचाप भाई फुल नाइट कार ड्राइव करनी पड़ेगी। तो मैंने फटाफट से भाई इसको पहुँचा दिया बहुत जल्दी से एयरपोर्ट के वे पर, क्योंकि भाई एयरपोर्ट नहीं पहुँचोगे ना तो मारे जाओगे, इधर डगन वॉस के बंदे घेर ही लेंगे। तो फाइनली यार हम लोग आ गए सीधे एयरपोर्ट के पास कि हमें फटाफट से इस कार को अंदर ले लेता हूँ, कार है या जो भी है बैन है ये, तो इसको फटाफट से हम अंदर ले लेते हैं। और भाई सिक्योरिटी वाले बंदे ने कह दिया कि ये अंदर नहीं जा सकती है, इसको बाहर इधर ही खड़ी कर देना। तो यार ये देख रहे हो इतनी गंदी सी, इसको स्पोर्ट्स कार तो है नहीं जो उसको अंदर ले सकते हैं। तो मैंने फटाफट से इसको यहीं लैंड करा दिया, लैंड क्या करा दिया मतलब पार्क कर दिया। तो फटाफट से यार मैं देख लेता हूँ यहाँ कोई ऐसा बंदा बंदा तो नहीं है जो हमको घेर ले भाई, क्योंकि यार उसको अब तक पता चल चुका होगा डगन बॉस को। तो हम उसके पता चलने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अगर उसको पता चल गया ना कि यार वो उसके डॉक्यूमेंट्स चुराने वाला, मतलब डॉक्यूमेंट्स उसको शायद नहीं पता होगा बट जो भी है उसके बंदे को मारने वाला कौन है, तो मैं यहाँ से फटाफट से भाई निकल लेता हूँ। क्योंकि अगर डगन बॉस को पता चल गया कि यार वो कोई बंदा और नहीं माइकल ही है, तो भाई माइकल की तो वो चटनी बना देगा। तो मैं फटाफट से यहाँ से सबसे पहले अपनी गाड़ी उठाता हूँ और भाई उस बंदे को मारूंगा ना जो साला यहाँ से प्लेन लेके आएगा। तो ये रहा वो बंदा जिसकी तो ऐसी ही तैसी मुझे वहाँ मरने को छोड़ कर आ गई है। तो मैंने उसको तगड़ा एक्सीडेंट मारा, एकदम आगे से सर ही फोड़ दिया, मत्था फाड़ दिया। तो मैं फटाफट से निकल लेता हूँ इधर से भाई विदाउट ब्रेक मारे, क्योंकि कार में इतनी ज़्यादा डाउन है ना कि वो किसी भी एक्सीलेटर से नीचे से आराम से निकल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई हम सीधे चलते हैं लेस्टर भैया के पास। वो भाई क्या एक्सीडेंट किया यार, पूरा पोल निकल के बाहर गिर गया। तो अभी हमें जाना है लेस्टर के गैराज पर, और लेस्टर का गैराज यार बहुत ही तगड़ा है, मतलब उसने बहुत पूरा सिस्टम लगा रखा है। तो फाइनली हम लेस्टर के गैराज के बहुत नियर आउट आ गए, तो हमें बस जाना है लेस्टर की कौन सा वाला, हाँ ये ही रहा भाई, देख रहे हो कितना कबाड़ खाने में उसने बनाया मस्त एकदम। तो यार यहाँ मैंने जिसकी एंट्री करी ना, तो भाई लेस्टर सामने टेबल डाल के खड़ा हुआ था, बोला भाई यार या तो माइकल आएगा या फिर तो माइकल जेल जाएगा। तो फटाफट से यार मैं जैसे ही लेकर आया ना टॉप पॉइंट्स, तो जैसे ही भाई ड्राइवर ने देखा ना, ड्राइवर बंदा एकदम खुश हो गया कि यार चलो माइकल ने बात रख ली मेरी को लेकर आ गया डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं FBI को दे सकता हूँ। तो फाइनली यार जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे माइकल के पास, माइकल ने सारे के सारे निकाल के भाई टेबल पर रखना स्टार्ट कर दिए, और उसने एक एक करके भाई पूरा बैग ही खाली कर दिया, जिसमें से यार कुछ ड्रग्स वगैरह रखा हुआ था माइकल वो भी लेकर आया था। और भाई उसके बदले इतना ज़्यादा लेस्टर खोज रहा, लेस्टर बोला कि यार जी सारा ड्रग्स तो करो, जितनी भी स्मगलिंग होगी ना उसमें से भाई सारा तुम पैसा रख लेना, बस तुमने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल भाई बंदा बहुत खुश है लेस्टर, उसने बोला कि यार अभी तुम सेफ रहना, अगर डगन उसको पता चल गया तो तुमको कहीं से भी उठवा लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा यार ये बंदा जो है इसको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं निपटाए तो ये माइकल को पूरी लोकेशन बता देगा इन लोगों की। तो उसको निपटाने के बाद हम जाएंगे भाई फिर से लेंगे डगन बॉस से पंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।